नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। देखिए, यहाँ ये स्वर्गीय महावीर सेठ के स्मृति का यह तालाब है, उन्हीं के द्वारा यह स्थापना किया हुआ है। और इस तालाब में लगभग 35-36 साल से पूजा आरंभ किया गया है, लगभग 84-85 के समय से। और ये आसनसोल शिल्पांचल के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि स्वर्गीय महावीर सेठ जैसे एक जाने माने प्रतिष्ठित समाज सेवी, इस क्षेत्र के जाने माने व्यवसायी ने जनहित में, जनता के लिए, और ये लोक आस्था का जो महापर्व है छठ, उसको मनाने वाले लोगों को अर्घ देने के लिए इतना बड़ा सरोवर उन्होंने अनुदानित किया। और इस तालाब पर 35-36 साल से लगभग हजारों श्रद्धालु जो छठ पर्व करने वाले लोग हैं यहाँ आते हैं और यहाँ अर्घ देते हैं। यह आसनसोल शिल्पांचल के लिए हम लोग की गर्व की बात है। दूसरी बात है कि इस लोक आस्था महापर्व में जो श्रद्धालुओं का जो पर्व त्यौहार होता है, इस तालाब का, इस सरोवर का रख रखाव, इसका मेंटेनेंस और यहाँ सारी व्यवस्था जो होती है, सेठ जी के ज्येष्ठ पुत्र जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके परिवार के लोगों, सुखदेव रविदास के द्वारा ये सारा वहन किया जाता है, जो हमारे इस आसनसोल शहर के लिए गर्व की बात है। और हजारों जो श्रद्धालु यहाँ करते हैं, उनकी दुआ और कामना जो है ये पूरे इस क्षेत्र की जनता के लिए और सेठ जी के परिवार के लिए है, जो इस लोक आस्था के महापर्व को मनाने के लिए एक उन्होंने ये सरोवर को किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह दिन दुनी रात चौगुनी आगे भी बढ़ेगा, और अगले साल से मैं समझूंगा कि सरोवर के लिए जैसा उनका परिवार राय करेगा, इसको और भी डेवलप करने की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि यह महावीर सेठ की एक स्मृति है जो हमारे शहर के जाने माने एक प्रतीक और पहचान रहे हैं। साड़ी बांट रहे आप लोग, खुशी मनाइए। आपका नाम क्या हुआ? आज यहाँ पर छठ व्रतियों लोग को किस लिए साड़ी बांट रहे हैं? खालिद के इलाज में तरह से आप जानते हैं कि खालिद बहुत समाज सेवा करता था, हमेशा जो नेता कम समाज से भी ज़्यादा था। तो आज खालिद नहीं है तो उसका जितना भी याद को पूरा करने के लिए हम लोग से जितना भी कोशिश हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। तो आज मेरी माँ का कहना था कि छठ पूजा जो जो व्रत रखता है, जितने भी लोग छठ पूजा करते हैं, हमसे जितना हो रहा है हम लोगों के लिए आज नए साड़ी दे रहे हैं। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम लोग से होगा, हम लोग ये पूरा समाज को, अपना परिवार को लेकर चलते हैं।
और हम लोग को उम्मीद है कि अगर छठ पूजा में हम लोग अगर करेंगे तो छठ पूजा ऐसा पर्व है कि हम लोगों का सुने, हम लोग का दुआ कबूल हो कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। अभी तक हम लोग का भाई का इंसाफ मिला नहीं है खालिद को, और हम लोग बहुत उम्मीद और आस्था से हम लोग ये साड़ी वितरण कर रहे हैं। हम लोग से जितना हो पा रहा हम लोग उतना कर रहे हैं, और मीडिया से भी यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग बात को, और जितने भी छठ व्रती है हमारे वार्ड, हमारे समाज, हमारे पूरे वेस्ट बंगाल या पूरा भारत का, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा से छठ COVID-19 को देख के सब घर से कम लोग निकले, बच्चे को कम लेके जाए और अच्छे से छठ पर्व मनाए। इंदिरा गांधी जी 104वां जन्म जयंती उनारी उपलक्षे हमरा आज ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस पक्ष থেকে আজ উনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য মাতৃ ইসলাম বলে একটি কর্মসূচি আমরা পালন করছি। সেই কর্মসূচিতে আমরা আজকে অনেক দুঃস্থ পরিবার, গরিব পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছি। কুলটি INTC অফিসে আজকে আমাদের কংগ্রেস সিনিয়র নেতৃত্ববৃন্দদের উপস্থিতিতে, যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে আমরা এই কর্মসূচি আজকে চাল আর আটা বিতরণ করেছি। আমার নাম সুকান্ত দাস, আমি কুলটি বিধানসভা যুব কংগ্রেস। इंदिरा गांधी अमर रहे। प्रथम युव कांग्रेस के धन्यवाद दिए रखा प्रोग्राम करार्जन युव कांग्रेस आज इंदिरा गांधी कथा मन कर प्रोग्राम कर युव कांग्रेस अवश्य धन्यवाद प्राप्ति स्वीकार कर। আর এরপর যেটা আমি বলতে চলেছি, ইন্দিরা গান্ধীর কথা মানে আমার মনে হয় মহাভারতের চাইতেও অনেক বেশি বড় হবে। ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে ভারতবর্ষকে নিয়ে গেছেন, আমরা যেটা সেই সময় দেখেছিলাম, ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষে যে রাজত্ব চলছিল, যে ভারতবর্ষে কয়লা শিল্প, লোহা, ওদিকে ব্যাংক ন্যাশনালাইজ, এগুলো ইন্দিরা গান্ধীর অবদান। আজ আমরা যে মাটিটাতে দাঁড়িয়ে আছি এই জায়গাটাও ইন্দিরা গান্ধীর অবদান, আর ইন্দিরা গান্ধী এগুলো তৈরি করেছিলেন। কি জানেন যে আমরা খুব দুর্বল, এই জন্যে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা এই প্রজন্মকে ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারছি না। আমরা কংগ্রেসের ইতিহাস, কংগ্রেসের পরম্পরাকে আমরা যুব সম্প্রদায়ের কাছে প্রচার করতে পারছি না ঠিক মতো। একমাত্র যুব কংগ্রেসই পারে কংগ্রেসের ইতিহাস এবং কংগ্রেসের পরম্পরাকে প্রচার করার জন্য। আজকে কংগ্রেস দেশদ্রোহী শুনতে মানে হাসি লাগে আপনার, কংগ্রেস দেশদ্রোহী যে কংগ্রেসের জন্য আজকে মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ভারতবর্ষের। আমি এই জন্য বলছি যে প্রধানমন্ত্রী ঠিক আছে, ভারতবর্ষের মানুষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী, এটা তো প্রত্যেকটা মানুষকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু যদি ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন না হতো, যদি কংগ্রেস দেশটাকে স্বাধীন না করতো, উনি কি প্রধানমন্ত্রী হতো? আর যদি না বলা হয় তো আমি মনে করি আজ ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না, কারণ ইতিহাস যদি বলতে হয় তাহলে আমাদের ইন্দিরাজি যিনি যা করে গেছেন দেশের জন্য সেটা বলতেই হবে মানুষের কাছে। ইন্দিরা গান্ধী এমন একটা শখসিয়ত, এমন একটা ব্যক্তিত্ব। ইন্দিরা গান্ধী ছোট থেকে দেখেছে তার বাবা কিভাবে স্বাধীনতার যুদ্ধে লড়াই করে অংশগ্রহণ করতেন, আর আধা সময় দেশের জেলের মধ্যে কাটাতেন, নয়তো রাজনৈতিক কোনো প্রোগ্রামে বা অনুষ্ঠানে কাটাতেন। সেই ছোট্ট ইন্দিরা গান্ধী দেখেছেন কিভাবে দেশের স্বাধীনতা লড়াইয়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তার পিতা এবং তার আত্মীয় স্বজনরা। তাই ছোট থেকেই তার মনের মধ্যে একটা দেশত্ববোধ তৈরি হয়েছিল। সেই দেশত্ববোধ তৈরি হওয়ার পক্ষে তার মধ্যে জেগেছিল যে সেও তিনিও নজরানা খাতুন, এক এক করে আসুন। মুরসালিম খান।